सोनीपत के बाद अब पानीपत में भी बदमाश पेट्रोल पंपों को बना रहे हैं अपना निशाना। पहले पेट्रोल डलवाते हैं, फिर मौके पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला पानीपत जिले के गांव अम्बाला का है, जहां पर देर रात बदमाशों ने पहले गाड़ी में तेल भरवाया, उसके बाद सेल्समैन के साथ मारपीट की, फिर 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोमवीर ने बताया कि वह ओम शिव गौरक्ष केएसके नाम के पेट्रोल पंप पर काम करता है। कल रात भी वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, जब करीब 8 बजे पेट्रोल पंप पर एक कार आई, जिसमें करीब 5 से 6 युवक मौजूद थे, जिन्होंने उसे उधार में तेल डालने के लिए कहा। उसने कार में उधार का पेट्रोल डालने से मना कर दिया। मना करने के बाद सभी लड़के अपनी कार से नीचे उतर आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। किसी तरह बचाव करके वह मैनेजर के कमरे की तरफ भागा, तो वह बदमाश भी जबरदस्ती मैनेजर के कमरे में घुस गए और उनके साथ मारपीट की और अंदर लॉकर में रखे 20,000 की नकदी लूटकर कार में बैठकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाश सेल्समैन को जान से मारने की धमकी भी दे गए और बोले, आगे से तू हमें यहाँ मिलना नहीं चाहिए। जिसके बाद सेल्समैन ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। मेरे साथ गाड़ी आई और उसमें गाड़ी में बंदे थे 6-7, जो कि पेट्रोल डलवाया करीब 2,000 रुपये का। और जब मैंने पैसे मांगे तो मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे। मैं बोला, माँ भाई मेरे पैसे दे दीजिए, प्लीज़ सर मेरे पैसे दे दीजिए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कोई नहीं मानी। उनमें से एक लड़के ने मेरी गिट्टी पकड़ कर मेरे को यहाँ पटक के मारा और उसके बाद फिर अंदर गया मैं ऑफिस में, तो वहाँ पर भी मेरे को वारदात की गई, मेरे से थप्पड़ भी वहाँ पर भी मारा। कितने बजे की बात है ये? करीबन 7-8 बजे के आसपास की बात है। पैसे भी ले गए? पैसे ले गए 20,000 रुपये, जो कि गले में थे। कोई धमकी भी दी आपको? धमकी मेरे को ये दी गई है, यदि तू गांव के आसपास मिल गया, यदि यहाँ मिल गया, तेरे को जान से मार देंगे हम। क्या लग रहा है, डर आपको लगता है? सर डर तो है ही, अब कल को क्या पता क्या वारदात कर जाएगी। पुलिस में शिकायत करती है? पुलिस में शिकायत करती है। क्या नाम आपका? सर 6 बदमाश आए गाड़ी में और आते उन्होंने सेल्समैन से तेल डलवाया। तेल डलवाने के बाद मैं पैसे मांगे सेल्समैन ने, तो उनसे मारपीट करनी शुरू कर दी, बदतमीजी गाड़ी गलौज से शुरुआत हुई। तो फुटेज के अंदर दिख भी रहा सामने ही, आगे किस तरह से उसको भगाया गया है। फिर बाद में वहाँ से मेरे पिताजी यहीं थे, उन्होंने सेल्समैन को अंदर लिया। अंदर लेने के बाद में फिर अंदर ऑफिस में आने के बाद में फिर पिटाई की गई। क्या कुछ आपका नुकसान हुआ इसमें? इसमें 20,000 रुपये नकद कैश लेके गए और करीबन 2,000 रुपये का उन्होंने पेट्रोल डलवाया। अच्छा, मारपीट में सेल्समैन को चोटें आई हैं? चोटें आई हैं, मेडिकल हुआ है, रात को ही सिविल हॉस्पिटल पानीपत के वहाँ ले जाया गया था और वहीं मेडिकल हुआ। पुलिस में आपने इसकी शिकायत कर दी है सर? पुलिस में शिकायत कर दी गई है, पुलिस को मेडिकल भी दे दिया गया है और मौके की फुटेज भी दे दी गई है। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी और क्या पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है? पुलिस मौके पर पहुंची थी, 112 की टीम आई थी सबसे पहले, उसके बाद मतलोटा थाना से SHO ने जो भी भेजे हैं वो आए थे, उन्होंने केस दर्ज किया और पहचान की गई। उनमें से 5 बदमाश गांव के ही मिले, 1 बार का है। अच्छा, आपकी इनके साथ किसी तरह की कोई रंजिश, कोई झगड़ा सर पहले से? आज तक कोई रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ में, घरवाला के साथ भी कभी कोई झटका नहीं इस तरह का होया है। तो इसमें क्या मानते हैं आप कि ये लूट के इरादे से ये बदमाश आए थे? ये तो दिखती बात है सर, मार पिटाई हो रही और लूट के लिए ही उन्होंने ये काम किया है और दिन में 2 बार चक्कर लगा चुके थे वहाँ। पहले से रेकी कर रहे थे। लगभग वो 2 बजे यहाँ से पेट्रोल पंप पर गाड़ी आई है, फुटेज के अंदर वो भी उन्होंने सारी देखभाल कर जब वो शाम को आए हैं। कह रही थी उनकी पहचान इनकी हुई है? पहचान 5 की हुई, एक बाहर से है। एक बाहर से।